इटावा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी जो कि लिंक मुख्य अग्निशमन अधिकारी मैनपुरी भी है, उन्होंने आज मैनपुरी पहुंचकर प्रेस वार्ता की और मीडिया द्वारा पूछे गए जर्जर फायर स्टेशनों के सवाल पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। जनपद मैनपुरी का अग्निशमन विभाग सबसे दयनीय स्थिति में है। यहाँ अग्निशमन विभाग में कर्मचारियों की कमी तो है ही, वहीं फायर स्टेशन भी बद से बदतर हालत में है। करहल फायर स्टेशन, किसनी फायर स्टेशन और देवर फायर स्टेशन के नव निर्माण तो हुए, लेकिन यह नव निर्माण भी बजट ना होने की वजह से जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यह अग्निशमन विभाग की ओर से फायर स्टेशन के नव निर्माण भवन बनाए गए थे, जो कि अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं। मैनपुरी में लिंक किए गए इटावा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी तबर्रुख हुसैन मैनपुरी पहुँचे। यहाँ मीडिया ने जब उनसे इन भवनों के बारे में जानकारी जुटाई तो उनका क्या कुछ कहना था, जरा आप भी सुनिए। हाँ, ये चीज मेरे भी संज्ञान में आया है कि वहाँ पे कर्मचारी मतलब पुराने जाते मकानों में रह रहे हैं और जो भी नए फायर स्टेशन सैंक्शन हुए थे वो सबके सब आधार में पड़े हुए हैं। इसमें शासन की तरफ से कोई बजट भी नहीं आ रहा है, इसके लिए मेरी तरफ से पत्राचार किया जा रहा है और जैसे ही अगर बजट आ जाता है तो उसका आगे का काम अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।